हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। आज का हमारा टॉपिक है हमारी लॉन्ग जंप इंक्रीज नहीं होती, जितनी लॉन्ग जंप है उतनी रह जाती है। दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी हमारी लॉन्ग जंप नहीं बढ़ती, तो क्या दिक्कत आती है। दोस्तों अगर आपकी जंप दोस्तों 11 फीट है 12 फीट है तो दोस्तों उतनी ही रह जाती है, आपकी लॉन्ग जंप बिल्कुल नहीं बढ़ती। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक 5 टिप्स ऐसे बताऊंगा, उसके वजह से आपकी लॉन्ग जंप बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। अगर हमारी लॉन्ग जंप 11 फीट है 12 फीट है तो 3 या 4 फीट तक बढ़ सकती है। सिर्फ उस 5 टिप्स को आपको अच्छे से देखना है और वीडियो को अच्छे से देखे और अच्छे से समझना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला टिप्स, जब आप लॉन्ग जंप लगाते हो तब दोस्तों आप बहुत ज़्यादा डरते हो। तो दोस्तों आपको जो डर लगता है उससे उसको दोस्तों पहले आपको मन से निकालना है। डर लगना मतलब दोस्तों क्या होता है, आप दोस्तों मन में ये सोचते हैं कि आप जहाँ से लॉन्ग जंप लगाते हो मतलब जो टेको बोर्ड है वहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखते हैं और मन में ये सोचते हैं कि मेरा टेको बोर्ड पर आएगा या तो पीछे रह जाएगा, और इसके वजह से दोस्तों आपका फॉल तो होता ही है। और उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आपके जो स्टेप है वो छोटे छोटे पड़ जाते हैं या तो लंबे पड़ते हैं, और उसके वजह से आपका जो टेक ऑफ है उस पर पैर आपका आता ही नहीं। और उसके वजह से मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका तो स्पीड अच्छे से लगता ही नहीं और आपकी जंप भी अच्छी नहीं जाती। तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले अच्छे से स्टेपिंग लेना है, उसमें 12-14 स्तर से आपको स्टेपिंग लेना है, और वहाँ से आपको लॉन्ग जंप है उसका जो रनवे है वो आपको सेट करना है, और तभी आपकी जो लॉन्ग जंप है ऊंची जाएगी और आपका जो पैर है वो परफेक्ट टेक ओवर पर आएगा जैसे मेरा आ रहा है। आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना है। हम अभी क्यों डर रहे हैं, अगर हमारा फिजिकल अभी नहीं है तो दोस्तों आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। ये जो टेक ऑफ बोर्ड है वहाँ पर आपको देखना ही नहीं कि हमारा फॉल होता है कि नहीं, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। यहाँ पर दूसरा टिप्स क्या है दोस्तों, हमने पहला टिप्स अभी देख लिया। दूसरा टिप्स ये है कि यहाँ पर जो टेको बोर्ड है और यहाँ का जो दोस्तों आप 4 या 5 स्टेप आपका डिस्टेंस है, यहाँ पर दोस्तों आप स्पीड से आ जाते हो लेकिन यहाँ पर आप स्पीड कम कर जाते हो। यहाँ पर अगर आप कम स्पीड लगाओगे तो यहाँ पर थोड़ी जंप आपकी बढ़ेगी, आपकी अच्छी जंप नहीं होगी। स्पीड से दोस्तों आपको लॉन्ग जंप लगानी है, मतलब क्या, यहाँ पर जो आपका लास्ट 4 या 5 स्टेप है वहाँ पर आपको स्पीड बिल्कुल ही कम नहीं करना। आपको जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आपको यहाँ पर स्टेपिंग लेके रनिंग करना है और जंप लगानी है, तभी आपकी बहुत अच्छी तरह से जंप जाएगी। और ये बेस्ट तरीका है दोस्तों, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहना। इसलिए हमें सेकंड टिप्स ये है कि आपको यहाँ पर स्पीड से आ जाना है, अगर आप स्पीड से आओगे तभी आप बहुत अच्छे तरह से जंप लगाओगे। इस टिप्स को भी दोस्तों आपको अच्छे से अपनाना है। तीसरा टिप्स क्या है दोस्तों, आप तीसरा टिप्स ये है कि आप दोस्तों रोज़ आकर प्रैक्टिस करते हो और रोज़ लॉन्ग जंप लगाते हो। यहाँ पर डेको बोर्ड है और आप बहुत लॉन्ग जाते हो, वहाँ से आप जंप लगाते हो, आप यहाँ से स्पीड से तो आ जाते हो लेकिन यहाँ से आपका पैर उठता नहीं है, यहाँ पर आपका जो स्पीड है वो भी कम हो जाता है और आप यहाँ से पैर भी उठा नहीं पाते। अगर दोस्तों आपकी बॉडी ऊपर नहीं उठती तो आपको दोस्तों ऐसे प्रैक्टिस करना है, 2 स्टेप पर आपको जंप लगाना है। यहाँ पर देखो 2 स्टेप पर लगाने के बाद आपकी बॉडी कैसे उठती है, देखो इस तरह से आपको 2 स्टेप पर उसके बाद 4 स्टेप पर इस तरह से जंप लगाने हैं, और 2 स्टेप पर 4 जंप फिर उसके बाद 4 स्टेप पर 4 जंप इस तरह से जंप लगाने हैं, और हफ्ते में आप 2 बार इस जंप को ज़रूर करें। फिर उसके बाद अगर आप दूर से खड़े होकर भी लॉन्ग जंप लगाओगे तब भी आपकी बॉडी आपको टपाओगे और आपकी जंप भी अच्छी जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको 2 स्टेप 4 स्टेप 6 स्टेप्स इस स्टेप पर आपको जंप लगाना है। अगर इस तरह से जंप लगाओगे तो आपकी दोस्तों अगर कहाँ से भी अगर 12 स्टेप पर 14 स्टेप पर अगर आप जंप लगाओगे तो आपकी जंप 100% आपको यहाँ पर उठा पाओगे, आपकी बॉडी उठा पाओगे और आप यहाँ से स्पीड से आ जाने के बाद आपकी लॉन्ग जंप भी अच्छी जाएगी। इस 3 टिप्स को भी आपको दोस्तों अच्छे से अपनाना है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, इस टिप्स को अच्छे से अपनाओगे तो 100% आपकी जो लॉन्ग जंप है वो अच्छी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टिप्स क्या है
दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्पीड से आ जाते हो, अच्छी तरह से अप्रोच ले लेते हो, लेकिन यहाँ पर आपका पैर नहीं उठता। इस टेकआउ बोर्ड से आपका पैर ऊपर नहीं उठता, उसके लिए भी हमें कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी ऊपर नहीं जाती तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके वजह से आपकी बॉडी ऊपर जाएगी। उसके लिए क्या एक्सरसाइज है उसके लिए आप, और अगर और दोस्तों हमारे लेग में भी अच्छे से पावर बढ़नी चाहिए, उसके लिए आप सिंगल लेग हॉप लगाना, उसके बाद जंप लगाना, फिर उसके बाद ये जो हाई ड्रिल्स है उसको आप करना चाहिए। अभी ये जो मैं अभी ड्रिल्स बताने जा रहा हूँ उसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, और इसके वजह से आपकी जंप भी अच्छी जाएगी और आपकी जो हाइट है वो भी अच्छी जाएगी। अगर आपका पैर उठता नहीं और आपकी लॉन्ग जंप भी नहीं जाती, हाइट भी नहीं जाती, तो आप इस वर्कआउटों को ज़रूर करें। इस तरह से हाइट नहीं करके आना और इससे आपको हाइट लगानी है। ऐसे आपको दोस्तों 4 या 5 सेट करना है, फिर उसके बाद सिंगल लेग हॉप लगाना है, और इससे आपके लेग में पावर बढ़ेगी, आपकी जंप भी अच्छी जाएगी, और ऐसे आपको दोनों पैरों पर करना है, फिर उसके बाद बाउंडिंग करेंगे। इस तरह से दोस्तों बॉडी आपको बम्प्स करने और आपको घुटनाएँ ऊपर उठाना है और ऐसे जंप करने हैं। अगर इस वर्कआउट को दोस्तों आप करते हो तो 100% जल्दी आपकी जंप बढ़ेगी। फिर इस तरह से आपको हनुमान जंप लगाने, ये दोस्तों लॉन्ग जंप के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपकी हाइट तो बढ़ेगी बड़ी और आपकी लॉन्ग जंप दोस्तों जल्दी बढ़ेगी, 3 या 4 फीट आपकी लॉन्ग जंप बढ़ेगी बड़ी। सिर्फ आपको इस वर्कआउट को अच्छे से करना है। उसके बाद जो लास्ट टिप्स है, 5वां टिप्स, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जब जंप लगाते हो दोस्तों, यहाँ पर देखो आप जब जंप लगाते हो दोस्तों, आपका जो पैर है दोस्तों, जब आप लॉन्ग जंप लगाते हो और जब लैंडिंग करते हो दोस्तों, लैंडिंग करते समय आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपके जो दोनों पैर है वो आप पीछे रख जाते हैं। आपको दोस्तों दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी गलती की वजह से आपका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, आपकी जंप भी अच्छी नहीं जाती, और आपका दोस्तों 1 या 1.5 फीट आप यहाँ पर आप पीछे रख जाते हो। तो यहाँ पर आपको लैंडिंग कैसे करना है, देखो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों पैर को इस तरह से आपको आगे ले जाना है, और इसकी वजह से आपका दोस्तों डिस्टेंस बढ़ जाएगा और आपकी लॉन्ग जंप भी दोस्तों अच्छी जाएगी। इसलिए आपको इस तरह से लैंडिंग अच्छे से करना है, और इसको परफेक्ट करने के लिए आपको मैं दोस्तों एक एक्सरसाइज बताता हूँ। जंप अच्छा लगाने के लिए आपको इस तरह से ब्रॉड जंप लगानी है, आपका लैंडिंग अच्छा करने के लिए आपको इस तरह से ब्रॉड जंप लगानी है, आपको इसे जंप करने और इसे होल्ड रखना है। इस तरह से दोस्तों आपको वर्कआउट करना है और इससे आपका लैंडिंग अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों इस 5 टिप्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है, आपकी लॉन्ग जंप बहुत अच्छी तरह से जाएगी।